अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी छोटे बच्चों के ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो सबसे पहले ये ब्लैक एंड ग्रीन ड्रेस है, ये मेरी बेबी के ड्रेसेस हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये समर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था कपड़ा तकरीबन 3 मीटर लिया था। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा होता है, बट ये है कि बच्चों के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था ताकि इजीली दो ड्रेसेस तो बन जाए, बट दो ड्रेसेस नहीं बने थे। हुआ ये था कि एक ड्रेस बना लिया था मैंने, आप देखें यहाँ पे साइडों में बीड्स लगवा लिए हैं और लेस लगी है, बहुत ही कम्फी से होते हैं और साथ में पजामा या शलवार, क्योंकि पाकिस्तान में जब से थोड़े बहुत मच्छर भी होते थे तो इसलिए मैंने कहा चले पजामा या शलवार साथ में बनाए। तो स्लीव इसकी हाफ ही बनवाई थी। तो ये था ड्रेस नंबर 1। तो ये है जी ड्रेस नंबर 2। ये भी सेल्फ प्रिंट पे है, पूरा प्रिंटेड, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब कलर जो अवेलेबल थे मैंने ले लिए थे, ये लॉन नहीं, आई गेस ये कॉटन है, क्योंकि जहाँ से मैंने ड्रेसेस लिए थे ना बेसिकली लोग ना कम कपड़ा देते भी नहीं हैं, तो मैंने कश्मीर से ये लिए थे। तो इस वजह से ये तकरीबन 2 मीटर कपड़ा था और इससे भी एक बड़ी कमीज़ बन गई थी साथ में जो मेरी कज़िन की बनी थी। तो खैर ये देखें, शलवार पर थोड़ी सी लेस लगा ली है और गले पर थोड़ी सी लेस है और वही शटल है जो उनसे मैं दामन पे भी लगवा ली थी। बहुत ही कंफर्टेबल सा है ये भी और इजी टू यूज़ है, तो बच्चे पहन के खुश भी हो जाते हैं। तो ये थर्ड ड्रेस है, ये स्लीवलेस बनवाया था। ये भी ये लॉन का है, प्लेन लॉन का कपड़ा ले लिया था, ये मेरी अम्मी ने बनवा के लिए थे और साथ में इसके ऊपर ना शॉकिंग पिंक लेस लग गया, तो बहुत ही अच्छा नाइस कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों के लिए ऐसे कम्फी से ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। इसकी लेस भी आप देख लें, स्लीव्स पर लगी हुई है और थोड़ी सी जो ऊपर वाली पेटी कहते हैं इसे, वहाँ पे लगी हुई है और साथ में दामन पे लगी हुई है। बहुत से आइडियाज़ आ जाते हैं अगर आप देखें तो। ये उसी कपड़े का बच गया था, तो साथ में इसके एक शॉर्ट्स बना था और साथ में ये फ्रॉक। ये फ्रॉक मेरी बहुत ही फेवरेट है, आप देखें कितनी अच्छी जो इस पर झालर कहते हैं या फ्रिल कहते हैं, ये जो फ्रंट पे डिज़ाइन लगा हुआ है आप देखें, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और साथ में पीको करवाया था उन्होंने, यहाँ पे कोई लेस नहीं लगी, दर्जन ने ये पीको करके दिया है और ये भी स्लीवलेस है। और यहाँ पे जो इसकी बोस लगी है ना, ये बहुत ही अच्छी है, साथ फ्रंट पर जो चुनटे डली हुई हैं और आप देखें स्लीव्स जो स्लीवलेस है, बट जो स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं, जो स्ट्रैप्स बनाई हुई हैं, वो भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रॉक है और बहुत ही कंफर्टेबल से, लाइक आपको देखने में लगता है कि ये रेडीमेड है और बहुत ही प्यारा है, बट ये कि कंफर्टेबल है। रेडीमेड ड्रेसेस भी अच्छे होते हैं, बट ये कि ऐसे ड्रेसेस आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर और प्यारे लगते हैं। इसके बैक भी पूरा ऐसे ही हुआ हुआ है, कपड़े की लेस बना के उसे जो है वो पीको करवा लिया था और कलर भी बहुत नाइस है ये। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ शॉर्ट्स है। और हाँ, ये थर्ड फोर्थ ड्रेस है, ये भी उनी टेलर ने बनाया, ये मेरा एक ड्रेस है तो इसलिए मैंने बेबी का भी साथ बनवा लिया था। तो ये भी देखें, लेस लगी हुई है दामन पे और इसके स्लीव्स पे, जो गला है बिल्कुल ही सादा सा है, सिंपल सा, छोटे बच्चों के कोई क्या गले बनाएगा ना, तो बेटर लगता है कि अगर सिंपल हो, क्योंकि बच्चों को बैन वाले गले भी पहनना मुश्किल लगता है, जो रेडीमेड ड्रेसेस वाले हैं ना बैन गले, और मेरी बेटी उसमें बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं रहती क्योंकि अभी बहुत छोटी है। तो ये शीशे लगवा लिए थे साथ में, देखिए ये शीशे बने हुए ऐसे मिलते हैं तो उन्हें लगा के दिए थे, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा है। इसके साथ भी शॉर्ट्स हैं, बट अगर आप चाहें तो इसके साथ आप कंट्रास्ट में ब्लैक कलर की जो शलवार है या टाइट्स वो पहना सकते हैं। तो ये भी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। और अगर आप चाहें तो इसके गले पर भी थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं, लेस लगवा सकते हैं, मगर मुझे ऐसे ही कम्फर्टेबल लगा था। और ये साइज़ जो उनसा बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए बैक पर जो स्ट्रिप्स लगाते हैं ना वो मैंने नहीं लगवाई थी, एज इट इज़ ही जो है वो रख लिया था और बैक पे बस बटन लगवा लेते हैं, दैट्स इट। और ये है जी नेक्स्ट ड्रेस, मेरे पास एक मस्टर्ड कलर का ड्रेस था, तो मुझे ये था कि मेरी बेबी के भी कपड़े, वैसे आपको पता है जो आप ड्रेसेस लेते हैं जो पैकेट में आते हैं, थान में ले तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाता है, बट आप जो बने बनाए सूट लेते हैं ना तो उसमें इतना कपड़ा नहीं होता कि छोटे बच्चों की ईजिली बन सके। तो फिर मैंने उससे मैच करके सिंपल लॉन का ये ले लिया था और साथ में ब्लैक लेस लगवा ली थी, पिको करवा ली थी। चलो ट्राउज़र पे देखें आप, वो दो सिलाइयाँ लगा के तीसरी में लेस लगा ली, और फिर शर्ट ये टेल वाली है इसका जो फ्रॉक है, साथ में पीको जो मोती पीको होती है वो करवा ली थी, क्योंकि सऊदी अरब में मुझे ये कपड़े नहीं मिलने थे और कोई टेलर भी नहीं है हमारे आसपास, तो मैंने कहा कि बेबी के बनवा के ले जाती हूँ, साथ साथ तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुछ मैंने बनवा लिए थे जो अभी 3 to 4 मंथ्स की एज के लिए और कुछ मैंने बनवाए हैं जो बड़े हैं,
बड़े मतलब 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आते हैं, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये कपड़ा भी मैंने 3 मीटर्स ले लिया था और इसमें भी बच गया था। तो बच्चों का क्या होता है, ये थोड़े बड़े साइज़ में मैंने एक ड्रेस और बनवा ली थी, बहुत बड़ा साइज़ है ये, के 5-6 महीने के बच्चे को ईजिली आ जाता है। इसके साथ मैंने ट्यूलिप शलवार बनाई थी और ये डिज़ाइन मैंने देखा था इंस्टा पर, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने बनवा लिया। बस मैंने शीशा लेस की जगह ये सिंपल लेस लगवा ली थी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह हाफिज़।